हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कंगना रनौत ठाकरे सरकार से सीधी टक्कर ले रही हैं। कंगना को पता है कि सरकार की कमजोर कड़ियां कौन सी हैं। कंगना वैसी बातों से ही चोट कर रही हैं जहां दर्द सबसे ज्यादा हो। देखिए ये रिपोर्ट। मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते। जो तो प्रदेश से बाहर है उसके बाद भी उद्धव सरकार ने बिल्डिंग गिरा दी। और अचानक उनके द्वारा ये जो कार्यवाही हुई है ये उनकी गरिमा को गिराया। कंगना बनाम उद्धव ठाकरे की लड़ाई लगातार बड़ी और बड़ी होती जा रही है। रणभूमि में एक तरफ उद्धव ठाकरे की सरकार है तो दूसरी तरफ रिवॉल्वर रानी कंगना रनौत। अभिनेत्री कंगना रनौत किसी मंजे हुए राजनीतिज्ञ की तरह उद्धव ठाकरे और सरकार को उन मुद्दों पर घेर रही है जहां दर्द सबसे ज्यादा हो। और बीजेपी का साथ मिलने से कंगना का वार और ज्यादा मारक होता जा रहा है। महाराष्ट्र के इस घमासान में अब अंडरवर्ल्ड डॉन और देश का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम भी दाखिल हो गया। कंगना के दफ्तर के मलबे से जो गुबार उठा वो महाराष्ट्र की राजनीति में पूरी तरह छा गया। महाराष्ट्र के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी की कार्यवाही पर उद्धव सरकार को घेरते हुए कहा है, दाऊद का घर नहीं तोड़ा जाता लेकिन कंगना के घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। कंगना तो कोई ऐसा विषय नहीं था कि जो राष्ट्रीय स्तर पर चला जाए। आपने उसको बड़ा किया, आपने उसके घर जाकर तोड़ा। अब रोज शिवसेना के नेताओं के किसके किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते हो। देश के 40% कोरोना के मृत्यु महाराष्ट्र में है लेकिन महाराष्ट्र सरकार उससे लड़ना नहीं चाहती, वो लड़ाई करना चाहती है कंगना से। दाऊद के फरार होने के दशकों बाद आज भी मुंबई में कई ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो दाऊद की ही बताई जाती हैं। हम इस वक्त दक्षिण मुंबई की पाकमोड़िया स्ट्रीट में हैं। पाकमोड़िया स्ट्रीट में वो जो सामने आप चाल देख रहे हैं इसी चाल में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का घर है। दाऊद और उसके भाई बहन इसी घर में पले बढ़े और इसी गली में इस कोने पर ये जो होटल है डेली जायका, पहले ये होटल रौनक अफरोज के नाम से जाना जाता था और सरकार का कहना है कि ये होटल दाऊद इब्राहिम के मालिकाना हक की है। बीजेपी की तरफ से भेदभाव के आरोपों का बचाव करने सरकार के भीष्म पितामह शरद पवार सामने आ गए। कल तक शरद पवार कार्यवाही से नाराज बताए जा रहे थे, अब वो इसे सही ठहरा रहे हैं। कि कोई स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई संबंध नहीं, जो कोई क्या रेसिडेंसी या कार्यालय पर जो कोई कदम उठाए ये मुंबई महानगर पालिका ने किया है। कई जगह पर महानगर पालिका ऐसे कदम उठाते हैं, ऐसे कदम हमने उठाए ऐसा एक्सप्लेनेशन मुंबई महानगर पालिका के तरफ से आया है। नोटिस देने के 24 घंटे के अंदर घर गिराने को लेकर उद्धव सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं
लेकिन उद्धव सरकार का कहना है कि बात दाऊद और कंगना की नहीं कानून की है। घर किसी का भी हो, कार्यवाही कानून के हिसाब से ही होगी। अब सवाल यह है कि दाऊद का घर गिराया है, कंगना का नहीं गिराया, कंगना का गिराया है। हम तो चाहते हैं कि जितने भी बेकायदा है वो सब गिरने चाहिए। अब उसको प्रोटेक्शन देने के लिए अगर बीजेपी को ऐसा लगता है कि उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए तो उनके खुल के बोलना चाहिए कि कंगना के घर को प्रोटेक्शन दो करके। बाला साहेब ठाकरे सिर्फ ठाकरे परिवार और शिवसेना के लिए ही नहीं पूरे महाराष्ट्र के लिए सम्मानीय है। कंगना अब बाला साहेब का इस्तेमाल गठबंधन सरकार के खिलाफ कर रही है। कंगना ने ट्विटर पर लिखा, बाला साहेब ठाकरे मेरे सबसे पसंदीदा व्यक्तित्व में से एक हैं। कांग्रेस से गठबंधन कभी उनका सबसे बड़ा डर था। आज उनकी आत्मा अपनी पार्टी की हालत देखकर क्या महसूस करती होगी। कंगना पहले ही अपने दफ्तर के मलबे को साफ नहीं करने और वहीं काम करके मलबे को शिवसेना के अत्याचार की निशानी के तौर पर स्थापित करने का ऐलान कर चुकी है। कंगना के मामले को लेकर कल कंगना से मुलाकात करने वाले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने आज राज्यपाल कोश्यारी से मुलाकात की और कंगना के लिए मुआवजे की मांग की। शिवसेना पूरी कार्यवाही को कानून की चादर में लपेट रही है, लेकिन बीएमसी के एक्शन की वजह से राजनीति का जोरदार रिएक्शन हो रहा है। अब तो कंगना विवाद में दाऊद की भी एंट्री हो चुकी है। आगे और क्या क्या रंग चढ़ेगा ये देखना बाकी है।